हे गाइस, इट्स कार्तिक फ्रॉम टेक ड्रीमर। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S20 FE5G। ये स्मार्टफोन 2020 में एक्सिनोस के प्रोसेसर के साथ ग्लोबली लॉन्च हुआ था। उस टाइम इस स्मार्टफोन में काफ़ी सारे इश्यूज थे, जैसे बैटरी ड्रेन इशू और हीटिंग इशू, जो कि एक्सिनोस का प्रोसेसर होने के कारण था। तो लेकिन 2021 में इस स्मार्टफोन को स्नैपड्रैगन 865 के साथ दोबारा लॉन्च किया गया था, और उस टाइम ये अराउंड 50,000 के करीब था, लेकिन अभी ये 30,000 के अंदर मिल रहा है। सीरियसली, इस वाले स्मार्टफोन के अंदर सभी फ्लैगशिप फीचर हैं। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे क्या ये 22 में 30,000 के अंदर वर्थ है या नहीं। सो सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S20 FE में 120 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल मिलता है, और इसकी ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस 800 निट्स के अराउंड है, और आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी ठीक है इस स्मार्टफोन की। इस प्राइस रेंज में काफ़ी एक अच्छी आउटडोर विजिबिलिटी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो गोरिल्ला ग्लास 5 इसमें डिस्प्ले प्रोटेक्शन दी गई है। और एनीवे, सैमसंग की डिस्प्ले वैसे भी अच्छी होती है। सैमसंग की डिस्प्ले के मामले में कोई यहाँ पे इस वाले स्मार्टफोन में कोई इशू मुझे देखने को नहीं मिला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी बिल्ड क्वालिटी। इस वाले स्मार्टफोन में IP68 रेटिंग मिलती है। फ्रंट साइड गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन है, और IP68 रेटिंग जो कि वाटरप्रूफ रेटिंग है, और इस बजट में IP68 काफ़ी कम स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, लेकिन इस वाले स्मार्टफोन में दी गई है। बैक साइड में आपको प्लास्टिक मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल भी चीप प्लास्टिक नहीं है। इसको हाथ में हम अगर होल्ड करते हैं तो काफ़ी, मतलब एक प्रीमियम प्लास्टिक का लुक आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीप प्लास्टिक यूज़ किया गया है। और साइड में एक मेटल फ्रेम है जो इसको काफ़ी अच्छी लुक देता है। ओवरऑल लुक के मामले में काफ़ी एक यूनिक और सिंपल सा रहा है, क्योंकि ये फ़ैन एडिशन है। तो सैमसंग का मानना है कि उसके जो भी फैंस हैं, उनके जो ओपिनियन है, उनको लेकर इसका डिज़ाइन तैयार किया गया है। तो डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी में कोई यहाँ पे इशू मुझे देखने को नहीं मिला, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। सो अभी हम इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं। 4500 mAh की इसकी बैटरी हमें देखने को मिल जाती है, और नॉर्मल यूजर में ये वन डे तक आपको निकाल देगी। वन डे आप नॉर्मल यूज़ में इसे ईजीली यूज़ कर सकते हो, और इसमें काफ़ी सारे बैटरी सेविंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। और ये स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग, वायरलेस, रिवर्स वायरलेस तीनों चीज़ों को सपोर्ट करता है, और इसमें आउट ऑफ बॉक्स 15W का चार्जर मिलता है, जो कि यहाँ पे सैमसंग ने कॉस्ट कटिंग की है। सीरियसली, उन्हें 25W का तो चार्जर एटलीस्ट देना चाहिए था। तो बैटरी के मामले में ठीक है, मतलब काफ़ी इस प्राइस रेंज में काफ़ी एक अच्छा आउटपुट आपको बैटरी के मामले में देखने को मिल जाता है। बैटरी नो डाउट गुड। साउंड एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो काफ़ी लाउड साउंड है। बॉटम में स्पीकर मिलता है, ऊपर और नीचे दोनों साइड माइक दिए गए हैं, और साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी लाउड है। और मतलब एक इस प्राइस रेंज में हम इसको एक अच्छा साउंड क्वालिटी कह सकते हैं। और कनेक्टिविटी की बात करें तो ऑडियो जैक नहीं मिलता है इस स्मार्टफोन में, और ऊपर सिम ट्रे है। इस वाले स्मार्टफोन में वाइड वाइन L1 और कैमरा टू API का भी सपोर्ट है। हम ऐसे मतलब मस्त गूगल कैमरा वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर। इस वाले स्मार्टफोन में One UI 4.0 रन कर रहा है, और Android 12 के साथ। और इस सॉफ्टवेयर में, सैमसंग के सॉफ्टवेयर में काफ़ी हमें एडिशनल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि प्रीमियम सैमसंग के स्मार्टफोन में होता है, जैसे सैमसंग डेस्क और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, और भी काफ़ी सारे फीचर हमें देखने को मिल जाते हैं इस वाले स्मार्टफोन में। सैमसंग UI को वैसे मोस्ट लव्ड UI माना जाता है, काफ़ी ऑप्टिमाइज UI है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में कोई यहाँ पे इशू नहीं है। और सिक्योरिटी पैच की बात करें तो हर महीने इसमें सिक्योरिटी पैच आते हैं। मैंने अभी जब फ़ोन इसको यूज़ किया था तो मेरे पास 4-5 अपडेट आए हुए थे आउट ऑफ बॉक्स, और वो भी सिक्योरिटी पैच के पीछे के कुछ मंथ्स के। सिक्योरिटी पैच के रेगुलर अपडेट आते रहते हैं। सबसे मेन पॉइंट परफॉर्मेंस। इस वाले स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर मिलता है, जो कि ये प्रोसेसर ओल्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है।
जैसे कोई फ्लैगशिप प्रोसेसर है वो कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन इसकी जो स्टेबिलिटी है, जो इसका आउटपुट है, वो अभी भी एकदम अच्छा है। अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये फ़ोन अगर हीट हो जाता है थोड़ा बहुत तो इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी यहाँ पे डाउन नहीं होती, रेगुलर परफॉर्मेंस पे ये हीट को मेंटेन करता है। तो स्नैपड्रैगन 865 काफ़ी एक फ्लैगशिप प्रोसेसर रह चुका है, तो इसकी हिस्ट्री तो आपको पता होगी। हर एक मतलब इस प्राइस रेंज में 50,000 के रेंज में ये प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन में यूज़ हुआ है, तो परफॉर्मेंस काफ़ी स्टेबल लगी इसकी मुझे, और कोई भी लैग और शटर देखने को नहीं मिला है। और एक चीज़ और, इस 865 की जो ISP है, कैमरा ISP, वो एक्सिनोस के, इससे पहले जो एक्सिनोस के वर्जन में स्मार्टफोन रिलीज़ हुआ था, तो उससे बेटर है इसकी कैमरा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी। तो ISP में यहाँ पे चेंज हुआ है और स्नैपड्रैगन 865 एक्सिनोस 900 से काफ़ी आगे है, और स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर है जो इसमें 865 यूज़ किया गया है वो काफ़ी हद तक बैटरी को भी ऑप्टिमाइज़ कर लेता है, जो कि एक्सिनोस 900 नहीं कर पाता। तो परफॉर्मेंस के मामले में नो डाउट ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। सो परफॉर्मेंस का एक और फैक्टर है रैम मैनेजमेंट। इस वाले स्मार्टफोन में रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि इसमें सैमसंग डेस्क जैसे काफ़ी सारे ऐसे फीचर मिलते हैं जिसके लिए रैम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। तो सैमसंग के लगभग सभी स्मार्टफोन में रैम मैनेजमेंट हमें अच्छा देखने को मिल जाता है। सो फाइनली माय फेवरेट पार्ट, कैमरा। इस वाले स्मार्टफोन में 3 कैमरा मिलते हैं। 12 तो अपना मेन सेंसर है सोनी का, और 12 अल्ट्रा वाइड है, और 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस है। स्पेशली इस प्राइस पे कोई भी स्मार्टफोन मुझे नहीं लगा जिसमें 8 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि इन तीनों कैमरा हम 4K 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो इसका प्रोसेसर और कैमरा कितना कैपेबल है इस प्राइस रेंज में। और कैमरे की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सैमसंग के S20 में मिलते थे, जैसे प्रो वीडियो मोड, पोर्ट्रेट वीडियो मोड, नाइट मोड, पोर्ट्रेट सेल्फी वीडियो। फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, और डे लाइट में, नाइट में, हर एक सिचुएशन में काफ़ी अच्छे से लाइट को हैंडल कर पाता है। इस वाले स्मार्टफोन में काफ़ी एक अच्छी सेल्फी आप इस लेंस से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस प्राइस में कैमरे के बारे में बात करूँ तो ये स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है। अभी आपको मैं कुछ सैंपल शो करवा देता हूँ, तो उसमें आप इसकी क्वालिटी का जज कर सकते हैं। वर्डिक्ट की बात करें तो 30,000 में ये एक बेस्ट डील हो सकता है, क्योंकि इस वाले स्मार्टफोन में हमें सभी फ्लैगशिप फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और बाकी कैमरा इस प्राइस पे इस स्मार्टफोन का बेस्ट कह सकते हैं। इससे पहले मैंने इस वाले स्मार्टफोन के साथ काफ़ी सारे स्मार्टफोन के कैमरे को टेस्ट किया है। बाकी स्मार्टफोन में क्या होता है कि एक फालतू का सेंसर हमें देखने को मिलता है जो कि 2 मेगापिक्सल मैक्रो, लेकिन इसमें जो भी सेंसर यूज़ किए गए हैं वो मतलब यूज़फुल सेंसर है सभी के सभी, और कोई भी यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ओवरऑल इस स्मार्टफोन के बारे में मुझे बताना था। ये स्मार्टफोन वैसे 50,000 का लॉन्च हुआ था क्योंकि ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, लेकिन कुछ सेल्स में ये 31-32,000 के अराउंड मिल जाता है, तो इस प्राइस रेंज में ये एक अच्छा स्मार्टफोन आप कह सकते हो। तो इस वाले वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।